हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर में, जैसा कि आपको पता है हमने कंडीशनल्स शुरू किए थे। इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल में, कि कंडीशनल क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से हम उनके सेंटेंसेस को लिखते हैं। सो इस पे ऑलरेडी जो है वो मैंने दो वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जिसमें कि पहला वीडियो आपने चेक किया होगा कंडीशनल, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन, उनके टाइप्स और जो उसमें मेन पॉइंट्स होते हैं वो चेक किए। उसके बाद हमने फर्स्ट कंडीशनल पढ़ा टाइप्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड कंडीशनल। इससे पहले हमने फर्स्ट कंडीशनल के बारे में पढ़ा था कि उनमें कैसे किस कंडीशन में हम जो है वो फर्स्ट कंडीशनल बनाते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं, क्या उसकी ग्रामर होती है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या रिमार्क्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। सो जो नए स्टूडेंट्स हैं आज के लेक्चर में, फॉर एग्जांपल जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनके लिए रिकमेंडेशन यही है कि वो पहले वो वीडियो चेक कर लें ताकि उनको जो है वो एक बेसिक से इस टॉपिक के बारे में पता हो। ओके, सो मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि कंडीशनल जो है वो शर्त से रिलेटेड होते हैं, कंडीशन से रिलेटेड होते हैं, जिनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शर्त। शर्त का मतलब ये होता है कि आपने एक शर्त रख दी कि अगर ऐसा होगा, ऐसा होता या ऐसा हुआ होगा या ऐसा होगा, सो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट ये निकलेगा। यहाँ पर दो सेंटेंसेस होते हैं। पहला सेंटेंस आपकी कंडीशन क्लॉज कहलाता है, जिसमें कि आप कंडीशन बताते हो, शर्त बताते हो, और दूसरा सेंटेंस जो होता है वो कॉन्सिक्वेंसेज या उसका रिजल्ट का क्लॉज होता है, जो कि उसके रिजल्ट को बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने बताया, इफ़ के साथ पहले आप एक कंडीशन देते हो और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट बताते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल। कंडीशनल जो है वो चार तरीके के होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ओके, सो इसमें ऑलरेडी दो वीडियोस हमने चेक किए हुए हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वो है उसके टॉपिक पे, सेकंड कंडीशनल से रिलेटेड। सेकेंड कंडीशनल का यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे उसका सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल और नोट्स के बारे में, या जिनको रिमार्क या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम वन बाय वन चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है सेकेंड कंडीशनल, जिसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस है ये तो जाहिर है कि कोई ना कोई कंडीशन होगी और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, बट किस जगह पे हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ द सेकेंड कंडीशनल टू टॉक अबाउट अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। कि आपने सोचा कि फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो प्रेजेंट की सिचुएशन हो चाहे फ्यूचर की सिचुएशन हो, किसी अनरियल थिंग को, अनरियल एक्शन को आपने इमेजिन किया, सो उस कंडीशन और उस कंडीशन को जो रिजल्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड कंडीशनल। अनरियल का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर, जैसे अमूमन मोस्टली लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं जो है वो एक मर्सिडीज खरीद लेता, राइट? सो इस तरीके का जो होता है कि जहाँ पे एक अनरियल सिचुएशन को आप उसकी एक कंडीशन बताते हो और उसका एक रिजल्ट बताते हो, जैसा कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, ये अब एक कंडीशन हो गई कि अगर मेरे पास पैसा होता, अब इसका रिजल्ट क्या निकाला मैंने, कि मैं एक मर्सिडीज कार जो है वो खरीद लेता, ये इसका रिजल्ट हो गया। तो जहां पर हम इमेजिनरी थिंग्स, अनरियल थिंग्स को डिस्कस करना चाहते हैं वहां पर हम सेकंड कंडीशनल को यूज करेंगे, किन टेंस के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए, राइट? अब हम इसको लिखते कैसे हैं, वही चीज़ है ये। पहला आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस पे जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है कंडीशनल से रिलेटेड उसको चेक कर लीजिए, तो आपको ये जो लिखने का जो तरीका है इसके बारे में वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर पहला जो है, पहला पार्ट जो इस सेकंड कंडीशनल का है, इफ़ प्लस पास सिंपल, ये आपकी शर्त है जिसको कि हम कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। यहाँ तक इफ़ से लेकर के पास सिंपल तक ये हमारा कंडीशनल क्लॉज है। अगर आप अपना कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू कर देते हैं तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा पहले जो कंडीशनल सेंटेंस है, उसके बाद आप जो है रिजल्ट बताइए। ये जो रिजल्ट की ग्रामर है ये वुड की ग्रामर है। ओके, सो हम इसको कैसे लिखेंगे सेकंड कंडीशनल को, इफ
पास्ट सिंपल कॉमा और जो नेक्स्ट आप रिजल्ट बनाएंगे, रिजल्ट का जो सेंटेंस होगा उसको किसकी ग्रामर से बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे वुड के साथ। ओके, सिंपल सी ग्रामर है अगर आपने ऑलरेडी दोनों वीडियोस को चेक किया हुआ है। इफ पास्ट सिंपल कॉमा और वुड, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये क्या मैंने बताया अभी। इफ आई लाइक्ड साइंस, इफ आई लाइक्ड साइंस कॉमा आई वुड रीड मोर बुक्स अबाउट स्पेस। अब ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, मुझे एक्चुअली साइंस पसंद नहीं है, मुझे पसंद है बट इस सेंटेंस के हिसाब से इफ आई लाइक्ड साइंस, अगर मुझे साइंस पसंद होती, पास्ट की बात हम कर रहे हैं कि अगर पास्ट में मुझे साइंस पसंद होती आई वुड रीड मोर बुक्स अबाउट स्पेस, मैं स्पेस के बारे में ज्यादा बुक्स पढ़ता। राइट, अब आप देखिए ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन यहां पर इस एग्जाम्पल्स के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो बनाने की कोशिश की गई है वो अनरियल है, इमेजिनरी है कि अगर ऐसा होता, अगर मुझे साइंस पसंद होती तो मैं ज्यादा साइंस में स्पेस से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ता। होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप देखें पहला जो है वो आई लाइक्ड, ये पास्ट सिंपल की ग्रामर है विद इफ, उसके बाद हमने कॉमा लगाया और जो रिजल्ट का सेंटेंस हमने बनाया वो वुड के साथ बनाया। इसका दूसरा एग्जाम्पल है इफ वी हैड टू लिव ऑन मार्स, इफ We had to live on Mars, comma, it would not be easy. ये कंडीशन है, आपको पता है मार्स में जो है अभी भी रिसर्च चल रही है कि वहां पर लाइफ अवेलेबल है या नहीं है, या लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि इफ वी हैड टू लिव ऑन मार्स, अगर हमको मार्स पे रहना पड़ता, अगर ऐसा कंपल्शन ऑब्लिगेशन होता, ये हैड टू की ग्रामर है जिसका मतलब है पास्ट में किसी ना किसी ऑब्लिगेशन की हम बात कर रहे हैं, कंपल्शन की बात कर रहे हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कि लाजिम हो जाना किसी चीज का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ वी हैड टू लिव ऑन मार्स, अगर हमें मार्स पे रहना पड़ता, ये कंडीशन हो गई, रिजल्ट क्या हुआ, इट वुड नॉट बी इजी, वो आसान नहीं होता हमारे लिए। ओके, सो ये हमारा रिजल्ट हो गया। राइट, सो यहां पर आपने देखा कि हमारे पास कुछ अनरियल इमेजिनरी सिचुएशंस हैं जिनको कि हमने सेकंड कंडीशनल में बनाने की कोशिश की है। हमने कंडीशन लिखा, कॉमा लिखा और उसके बाद उसका रिजल्ट लिखा, रिजल्ट जो है वो वुड के साथ हम उसकी ग्रामर हमने वुड के साथ बनाई। यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं, आप इसको स्विच भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले के दोनों वीडियोज में आपको बताया है कि जरूरी नहीं है कि आप अपना कंडीशनल इफ ही स्टार्ट करें, आप यहां वाले जो आई वुड रीड मोर बुक्स अबाउट स्पेस इसको पहले लिख सकते हैं, उस कंडीशन में ये कॉमा हट जाएगा। आप कैसे लिखेंगे, आई वुड रीड मोर बुक्स अबाउट स्पेस If I liked science, ये कॉमा हट करके फुल स्टॉप आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको बता दिया, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। ओके, तो ये तो हो गई कि कहां पर हम सेकंड कंडीशनल का यूज करते हैं अनरियल सिचुएशन में प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, कैसे उसको लिखते हैं इफ पास्ट सिंपल कॉमा और वुड की ग्रामर के साथ, जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है उसको पास्ट सिंपल और इफ के साथ लिखते हैं, जो हमारा रिजल्ट क्लॉज है कॉन्सिक्वेंसेज वाला जो रिजल्ट क्लॉज है उसको वुड के साथ बनाते हैं। हमने दो एग्जाम्पल चेक कर लिए। अब आती है यहां पर रिमार्क्स की बात या नोट की बात कि और इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। ये जो नोट मैं यहां पर लिखता हूं, इससे पहले भी मैंने फर्स्ट कंडीशनल में आपको ये चीज बताई है, तो ये नोट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक्सप्लोर करते हैं उस टॉपिक को, आप उस टॉपिक के बारे में और कुछ जो है वो नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। राइट, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कलेक्ट करनी पड़ती हैं आपको, कभी इस बुक से कभी इस बुक से, तो वही चीज है ये कि यहां पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। राइट, पहली सिचुएशन है वी कैन ऑल्सो यूज माइट। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, वी कैन ऑल्सो यूज माइट इन द मेन क्लॉज, इस क्लॉज में मेन क्लॉज व्हेन वी आर लेस श्योर अबाउट द रिजल्ट। कहने का मतलब यह हुआ कि जहां पर हमने वुड लिखा है उस जगह पे आप माइट की ग्रामर भी लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब कि आप लेस
श्योर हैं अबाउट द रिजल्ट, कि रिजल्ट जो आप बताना चाह रहे हैं उसके बारे में आप ज्यादा श्योर नहीं हैं, उस कंडीशन में वुड की जगह आप किस चीज की ग्रामर लगा सकते हैं, माइट की, ये पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है, इफ यू सॉ द फिल्म, अगर आपने फिल्म देखी होगी, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल है, इफ यू सॉ द फिल्म यू माइट लाइक इट, यू माइट लाइक इट, अगर आपने ये फिल्म देखी होती पहले, यू माइट लाइक इट, यहां पर पॉसिबिलिटी कम है इसीलिए हमने इसको माइट से बनाया है, यू माइट लाइक इट। होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो रिमार्क है वो हम देखते हैं, वी ऑफन यूज कुड, प्लेस ऑफ वुड आप कुड भी यूज कर सकते हैं इन द मेन क्लॉज टू टॉक अबाउट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। अगर आप एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं सेकेंड कंडीशनल में, तो वुड की जगह आप क्या लगा सकते हैं, कुड। अब एबिलिटी क्या होती है आप सबको पता है, एबिलिटी का मतलब होता है कि जिस चीज को आप कर सकते हैं, मैं ड्राइव कर सकता हूं ये मेरी एबिलिटी है, मैं तेज दौड़ सकता हूं ये मेरी एबिलिटी है, आई कैन टीच ये मेरी एबिलिटी है, राइट। सो एबिलिटी हो गई जिस चीज को आप कर सकते हैं, जो काम आप कर सकते हैं उसको एबिलिटी बोलते हैं, और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है मुमकिन, कि कोई चीज पॉसिबल है, तो उन दोनों कंडीशन में आप वुड की जगह पे क्या लगा सकते हैं, कुड। तो यहां पर जो मेन क्लॉज में हमने पहले वुड की ग्रामर पढ़ी थी, वहां पर माइट भी आ सकता है, कब, जबकि आप लेस श्योर होते हैं अबाउट द रिजल्ट, वुड की जगह कुड भी आ सकता है जबकि आपको एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ वी लिव्ड बाई द सी, अगर हम समंदर के पास रह रहे होते, अगर हम समंदर के किनारे रह रहे होते, इफ वी लिव्ड बाई द सी, ये पास्ट सिंपल की ग्रामर है वर्ब टू के साथ। अब पास्ट सिंपल क्या होता है, पास्ट क्या होता है, इसके लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, जिसपे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप चेक कर सकते हैं। एक्चुअल में बार बार कहने में यही होता है कि इंफॉर्मेशन होती है, बट अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आपको एक सिरे से उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, तभी किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि आपको पता है कि मैं जो वीडियोज बनाता हूँ वो बेसिकली साइंस में, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश या जीके से रिलेटेड, रीजनिंग हो गई, जो बच्चे मतलब गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनके लिए रीजनिंग है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये टॉपिक्स होते हैं या जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इन पे अगर आपको मास्टरी करनी है तो आपको सीरीज से पढ़ना पड़ेगा, वन बाय वन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन प्रोसेस आपको समझ में आएंगी, ओके। सो अगर आपको पास्ट सिंपल के बारे में नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके टेंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करिए, वहाँ से आपको बेसिक ग्रामर के बारे में और बेसिक टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहाँ से उस चीज़ को सीख सकते हैं, ओके। बैक टू आवर टॉपिक, इफ वी लिव्ड बाय द सी, अगर हम समंदर के किनारे रह रहे होते, वी कुड गो स्विमिंग एवरी डे, हम स्विमिंग के लिए डेली जा सकते थे, एवरी डे, रोज जा सकते थे। अब ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, हम रहते नहीं है वहां पर, बट हमने इमेजिन किया है कि अगर हम समंदर के किनारे रह रहे होते तो हम रोज स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए जा सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ, वी वुड बी एबल टू, ये एबिलिटी हो जाती हमारी वहां पर, एबल टू गो स्विमिंग, या पॉसिबिलिटी हो जाती कि हम वहां पर डेली जो है वो स्विमिंग के लिए जा सकते थे, ओके। सो ये सेकेंड कंडीशनल की बात हो गई यहां पे, जहां पे हमने यूज पढ़ा सेकेंड कंडीशनल कैसे बनता है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखा, उसके बाद हमने कुछ टॉपिक्स देखे ए और बी करके, जो कि वुड को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप लेस श्योर हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, तो आप उस सेंटेंस को जो रिजल्ट वाला है उसको माइट से बना सकते हैं, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी शो करना है तो आप कुड के साथ बना सकते हैं। होप ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि माइट और कुड के बाद और क्या पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है, ओके। सो हेयर कम्स अवर लास्ट पॉइंट इन द नोट,
दैट इज सी, अभी तक हमने दो पॉइंट पढ़े हैं एक्सप्लोर करने के लिए या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, जहां पर मैंने आपको बताया कि वुड की जगह पे एक पॉसिबिलिटी तो आ जाती है माइट की और दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाती है कुड की। आप अपना जो रिजल्ट का क्लॉज है ये वुड की जगह माइट या कुड से भी बना सकते हैं, जिनको कि हमने नोट के पॉइंट ए और पॉइंट बी में अभी डिस्कस किया है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है इस सेकंड कंडीशनल के टॉपिक का कि जब कभी आपका इफ क्लॉज जो होता है कंडीशनल क्लॉज आप बी फॉर्म की, पास्ट की बी फॉर्म दैट इज वॉज और वर के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, इस कंडीशन में चाहे वो नॉर्मल सेंटेंस हो या आप एडवाइस दे रहे हो किसी को, दोनों कंडीशन में वॉज के यूज के ऊपर हम प्रेफरेंस देते हैं वर के यूज को। हमारा जो वर होता है, आपको पता है वर किसके साथ आता है, वर आता है जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि मैं यहां पे लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है, वॉज और वर। ओके, वॉज आता है ही शी दिस दैट इट और वन नेम के साथ, एक नेम अगर आपको लिखना है, और यहां पर इसके साथ आई भी आता है। ओके, वर के साथ आता है यू वी दे दीज दोज और नेम्स, राइट। ये हमारी ग्रामर होती है वॉज और वर के लिए। कहने का मतलब यह है कि जब आप सेकंड कंडीशनल की यूज करते हैं तो सब्जेक्ट कोई भी हो, यहां पर आप जो प्रेफरेंस देंगे वो वर्ब को देते हैं, राइट। अब आपको पता है कि आई जो है वो वॉज के साथ आता है, राइट, बट या ही जो है वो वॉज के साथ आता है, लेकिन जब सेकंड कंडीशनल में इफ का क्लॉज आप बी के साथ, बी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट के लिए इज एम आर होता है, पास के लिए वॉज वर होता है, और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन वी पुट बी वॉज वर इन द इफ क्लॉज वी कैन यूज वर। ये है जो मैंने अभी बताया कि जब आप इफ के क्लॉज में बी के लिए वॉज या वर को इंक्लूड करते हैं ग्रामर में, तो हमारे पास वर जो है वो प्रेफरेंस में होता है इनस्टेड ऑफ वॉज। वी नॉर्मली डू दिस व्हेन वी यूज द फ्रेज इफ आई वर यू, If I were you to give advice, जब कभी आप अपना जो सेकेंड कंडीशनल है उसमें if के साथ if I were you इस तरीके से किसी को एडवाइस देना चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम नहीं करता, इस कंडीशन में आपको पता है नॉर्मली आई के साथ वॉज आता है, बट सेकेंड कंडीशनल में आई के साथ हमने क्या लिखा, वर लिखा। वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी इफ क्लॉज में आप बी फॉर्म यूज करते हैं पास्ट की, दैट इज वॉज और वर, तो सब्जेक्ट कोई भी हो, ही हो, शी हो, आई हो, यू हो, आपकी जो प्रिफरेंस होगी वॉज और वर में वो वर ही होगा। ओके, और इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके मैंने बता दिया है कि इफ आई वर यू, जब कभी आप इस तरीके का बनाते हैं कंडीशनल में एडवाइस देने के लिए, तो आई के साथ हमने वर्ब का यूज किया। इनके एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल है इफ आई वर यू आई वुड नॉट टेक द जॉब, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस नौकरी को नहीं लेता। ये इमेजिनरी सिचुएशन है, मैं तुम्हारी जगह पर नहीं था और मैं हो भी नहीं सकता हूं, बट सोचो अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इस जॉब को कभी भी टेक नहीं करता, नहीं लेता या नहीं एग्री करता उस जॉब के लिए। अब आप देखें यहां पर हमने आई जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहां पर, जो कि सिंगुलर फॉर्म में होता है, बट हम इसके साथ क्या यूज कर रहे हैं यहां पर, वर यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इफ आई वर यू इफ आई वर रिचर, अगर मैं अमीर होता, मेरे पास ज्यादा पैसे होते, आई वुड बिकम अ स्पेस टूरिस्ट। आपको पता है स्पेस टूरिस्ट क्या होते हैं, जो कि दूसरे प्लैनेट्स में जाते हैं एज अ टूरिज्म, और उसके लिए काफी पैसे की जरूरत होती है। वही सिचुएशन यहां पर लिखी हुई है कि इफ आई वर रिचर, अगर मैं बहुत अमीर होता, मेरे पास बहुत पैसा होता, तो मैं स्पेस टूरिस्ट
के लिए जरूर जाता या स्पेस टूरिज्म के लिए जरूर जाता। इमेजिनरी सिचुएशन है, यहां भी हमने आई के साथ वर का यूज किया है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इफ ही वर मोर केयरफुल, इफ ही वर, अब देखें ही के साथ यहां पर क्या लिखा है, वॉज, बट हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से हमने क्या लिखा है, वर। इफ ही वर मोर केयरफुल ही वुडंट और वुड नॉट हैव सो मेनी एक्सीडेंट्स। अगर वो थोड़ा सा और केयरफुल होता, थोड़ा सा और जो है वो ध्यान रखता, तो कभी भी उसके इतने सारे एक्सीडेंट्स नहीं होते। इमेजिनरी है, अनरियल है, उसके एक्सीडेंट्स हुए हैं क्योंकि वो केयरफुल नहीं था। बट हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वो थोड़ा और केयरफुल होता तो उसके एक्सीडेंट्स नहीं होते। कहने का मतलब यहां पर ये है, ये जो सी पॉइंट मैंने बताया है, आप याद रखिएगा कि जब कभी सेकंड कंडीशनल आप बनाते हैं, इफ क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज में आप बी का यूज करते हैं वॉज वर से रिलेटेड, तो प्रेफरेंस आपकी हमेशा वर होनी चाहिए, और मेनली उन क्लॉजेज में जहां पर आप इस तरीके से बोलना चाहते हैं कि इफ आई वर यू टू गिव एडवाइस, या नॉर्मली जैसे मैंने बताया ही वर मोर केयरफुल। एक्चुअल में ही वॉज के साथ आता है, बट सेकेंड कंडीशनल में प्रेफरेंस के हिसाब से ही वर को हम लेते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्प करेगा इसको दोबारा रिवाइज करने में। ओके, सो ये टॉपिक यहां पर हमारा खत्म होता है सेकेंड कंडीशनल का, जिसमें हमने आज क्या पढ़ा, जिसमें कि हमने पढ़ा कि सेकेंड कंडीशनल का यूज क्या होता है, कैसे उसको लिखते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने तीन पॉइंट बताए नोट के अंडर, जिसमें ए बी सी। पहला हमने पढ़ा कि जहां पर हम वुड का यूज करते हैं रिजल्ट क्लॉज में, वहीं पर हम वुड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास हम लेस श्योर हैं तो माइट का यूज कर सकते हैं, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को शो करना है तो कुड का यूज कर सकते हैं, और अगर बी फॉर्म इफ क्लॉज में हम यूज कर रहे हैं, जो कंडीशनल क्लॉज है, पहला क्लॉज है, तो उस कंडीशन में हमारी वॉज और वर में जो प्रेफरेंस होगी वो वर होगी। ओके, होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसमें दो पॉइंट और बचे हैं, दैट इज थर्ड कंडीशनल और जीरो कंडीशनल। जल्दी से उसके आने वाले टाइम में जो है वो वीडियोस बना करके और आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा।